नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में, और अब धीरे धीरे मंडी में जो गेहूं की आवक है वो लगातार बढ़ने लगी है। अलग अलग क्वालिटी का जो गेहूं है वो मंडी में आ रहा है, और अलग अलग जो किसान है वो अलग अलग गांव से गेहूं लेकर के मंडी में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज हम लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी पहुंचे हैं। गेहूं की स्थिति जानने के लिए हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, उनके पास चलते हैं और सीधे उनसे जानते हैं कि आज क्या दाम उन्हें गेहूं के मिले हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण प्रवीण जी कहाँ से आए, देपालपुर के पास सिमनखेड़ी गांव से क्या लेके आए प्रवीण जी? गेहूं लेके आए हैं सर। अच्छा, आज क्या दाम गया गेहूं का मंडी में? 2448 रुपये प्रति क्विंटल गया है। आज का अधिकतम दाम कितना रहा? अधिकतम दाम 2448। हाँ, और न्यूनतम कितना रहा सबसे कम? सबसे कम रहा है 2100। 2100। कौन सी क्वालिटी का गेहूं लाए हैं? अपना गेहूं लोकवन है। लोकवन क्वालिटी, लोकवन सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है गेहूं की, क्या खासियत रहती है इसकी? ये ज्यादातर खाने में काम आता है सर। अच्छा, और कितने बीघा में हमने आपकी बार लोकवन बोया था? अपना तो है 5 बीघे का, लेकिन हम 1 बीघे के गेहूं लेके आए हैं। अच्छा, आपकी बार हमने जितना लागत हमने लगाई क्या उसका हमें उत्पादन मिला? हाँ मिला, बिल्कुल मिला। और भाव में क्या कमी देखने मिली हमको? भाव भाव तो वगैरह अच्छा है, हर साल से तो अच्छा है इस साल भाव अभी तो, लेकिन अब क्या है कि वे माल की आवक होना चालू हो गई तो दिन पे दिन भाव कम होते जा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए हम आपको गेहूं की क्वालिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लेकर के आए हैं लोकवन क्वालिटी का एक गेहूं है, थोड़ा पास से हम इसको आपको दिखाएंगे। दाना आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका कैसा क्या दाना रहा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। दाना तो ठंड की वजह से कमजोर रहा है, ठंड लग गई है इसमें, मतलब मौसम की मार मौसम की मार से। अच्छा, अभी 1-2 दिन से मौसम फिर बिगड़ा, बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसका कोई असर? हाँ रहेगा ना सर, अच्छा क्या असर पड़ता है सर फसल पे इसका? इसका कलर खराब हो जाता है सर, और गेहूं भी उत्पादन भी कम मिलता है इसमें। अच्छा, तो फिर भाव पे भी इसका सीधा असर देखा? हाँ बहुत कम हो जाता है भाव, आधा हो जाता है सर। अच्छा, अब नया गेहूं जो है वो आना शुरू हो गया मंडी में? हाँ आना चालू हो गया सर। अपना गेहूं नया पुराना है? नया गेहूं सर। नया गेहूं, अब जैसे सरकार भाव निर्धारित करेगी तो फिर उसका कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा ना सर, मंडी पे असर पड़ेगा। अच्छा, आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार सरकार से, कितना भाव होना चाहिए आपकी? तकरीबन 3,000 से ऊपर जाना चाहिए सर गेहूं के भाव तो। अच्छा, 3,000 से ऊपर जाना चाहिए? 3,000 से ऊपर जाना अच्छा, चाहिए फिर सरकारी खरीद में और मंडी की यहाँ के खरीद में क्या अंतर पड़ जाता है दोनों? सर अभी तो भाव बांधा नहीं है सरकार ने, निर्णय करानी है सरकार ने, निर्णय हो जाने के बाद में फिर क्या है मंडी में क्या भाव चलेगा है, वहाँ पे सोसाइटी में क्या भाव जाएगा अपना देखेंगे क्या पोजीशन बनती है। चलिए तो ठीक, ये किसान भाई थे जो अपना गेहूं, जो लोकवन इनका गेहूं है वो लेकर के मंडी में आया है। सीधे तौर पर इनका कहना है कि अब की बार थोड़ी सी मौसम की मार जरूर पड़ी है, लेकिन बावजूद इसके उत्पादन भी ठीक ठाक रहा और जो भाव मिल रहे हैं उससे भी ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।